सीएम नीतीश ने पिछले दिनों पटना जिले के बंटवारा कर बाढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। ऐसी ही मांग भागलपुर जिले में भी उठने लगी है। बीरपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने आज कहा कि बिहार में अगर कहीं भी नया जिला बनेगा तो उसमें नवगछिया भी जरूर रहेगा। बिहार में कहीं भी जिला अब नया बनेगा तो उसमें नवगछिया भी बनेगा, मेरा इतना ही मानना है। मुख्यमंत्री तो घोषणा की थी चुनाव संपन्न होने के बाद, तो फिर ये तो सरकार जानेगी ना। सरकार का कहना है कि जब किसी जिला को बनाया जाएगा नए जिला, उसमें नवगछिया भी शामिल होगा। और सर, हाल के दिनों में उपचुनाव हुआ बोचहा में और आप वहाँ कैंप किए, किस तरह का रिजल्ट रहा? ये भाजपा वहाँ पे बोचहा में जनादेश ये उपचुनाव था, बहुत गंभीरता से लोगों ने नहीं लिया, लेकिन जो जनादेश हुआ उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, हम लोग समीक्षा करेंगे, उसमें मंथन करेंगे कि आखिर हमारी हार क्यों हुई। पार्टी बहुत बड़ी मजबूती से वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, कई मंत्री कई विधायक कैंप किए हुए थे, मगर आरजेडी भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हौले से नहीं लेती है और निरंतर संगठन का काम चलते रहता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर लगे थे, हम भी लगे थे, लेकिन जनता जो है अब किस मुद्दे पर क्यों उसको चुना ये तो वही बताएगी, लेकिन हम लोग समीक्षा करेंगे कि आखिर हार क्यों। इंजीनियर शैलेंद्र ने इस दौरान कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। बोचहा में बीजेपी की पराजय से लेकर जिले की विकास योजनाओं पर भी बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी। सर, वहाँ कोई गुटबाजी वाली बात आ रही, सुरेश शर्मा जो पूर्व विधायक के ये सब विरोधी का प्रोपेगंडा है ये सब। सर, कल एक डिप्टी सीएम का वीडियो वायरल हुआ है अररिया में, कुछ पत्रकारों पे हुए कई तरह के आपत्तिजनक आक्रोश में दिखे, कुछ सवाल पूछ रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब कहीं दिमाग रहा होगा टेंशन में, लेकिन कोई भी राजनीतिक नेता लोग खासकर जो हमारे चौथे स्तंभ उसके बारे में टिप्पणियां गलत नहीं कर सकते। लगातार भागलपुर को हवाई अड्डा में आप भी उसमें हम लोग है, हवाई अड्डा हम लोग ATR 42 जो है उसके CEO से बात किए हैं स्पाइस जेट के, और हम लोग चाहते हैं कि हवाई जहाज़ वहाँ से उड़े, लेकिन उसके लिए टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है उसकी पूरी जानकारी हम लोग ले रहे हैं और संभवतः हमको तो लगता है कि वहाँ से हवाई जहाज़ उड़े। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।